शाहबाद गेट स्थित कैंप कार्यालय पर पीस पार्टी की ओर से मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें विधानसभा 2022 के चुनाव को लेकर समीक्षा की गई। वहीं पीस पार्टी के जिला कार्यालय पर प्रदेश महासचिव रईस कुरैशी ने मीडिया से वार्ता करते हुए कहा कि पीस पार्टी ने 2022 के चुनाव की तैयारी शुरू कर दी। पीस पार्टी ने 2022 के विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू करते हुए अपने संगठन का विस्तार किया है। वहीं पार्टी ने रामपुर में आजम खान के मामले पर समाजवादी पार्टी का घेराव किया। पीस पार्टी ने आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी ने आजम खान का सौदा कर लिया है। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर समाजवादी पार्टी को जिस तरह से बोलना चाहिए था वे नहीं बोली, बल्कि पीस पार्टी ने पूरे उत्तर प्रदेश में ज्ञापन देने के माध्यम से आजम खान के मुद्दे को उठाया। उन्होंने कहा कि आजम खान की रिहाई की जाए और आजम खान पर कोई मामला बनता है तो उसकी सही से जांच की जाए। वहीं आइए अब सुनते हैं पीस पार्टी के प्रदेश महासचिव रईस कुरैशी क्या कह रहे हैं। अब ये सवाल तो सच्चाई में समाजवादी पार्टी के नेताओं से बनता है, लेकिन आपने सवाल किया है तो मैं आपको बता दूं, पूरे उत्तर प्रदेश में आजम खान साहब समाजवादी पार्टी के बड़े लीडर रहे हैं। यानी कि समाजवादी पार्टी की जब सरकार रहती थी तो छोटे मुख्यमंत्री माने जाते थे और उनके दम पर ही समाजवादी ने कई बार सरकार भी बनाई है, लेकिन आज पूरे उत्तर प्रदेश में एक आवाज समाजवादी पार्टी की आजम खान साहब के लिए नहीं निकली, बल्कि पीस पार्टी ने पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर ज्ञापन के माध्यम से आवाज उठाई कि आजम खान साहब को रिहा किया जाए, अगर कोई मामला भी उनकी तरफ बनता है तो उसकी निष्पक्षता के साथ जांच कराई जाए, बिना भेदभाव के जांच होनी चाहिए। लेकिन लग ये रहा है समाजवादी की कार्यशैली से कि समाजवादी पार्टी ने आजम खान साहब का सौदा कर दिया है भाजपा से कि अगर आपको बाहर रहना है तो आजम खान को जेल में डाल दीजिए। यही लगता है, जिस तरह से बिहार सरकार के अंदर सौदा किया गया शहाबुद्दीन साहब का, उनकी मौत हो गई, मौत हुई, वक्त था मौत होने का, लेकिन आरजेडी में जैसे एक तरफ होती है मौत तो शक पैदा होता है। इधर शहाबुद्दीन साहब का इंतकाल होता है और इधर लालू यादव जी जेल से बाहर आ जाते हैं, तो कहीं ना कहीं समझ में आता है कि इन लोगों ने समझौते किए हैं। यही उत्तर प्रदेश में हुआ है कि आजम खान जेल नहीं जाते तो मुलायम सिंह यादव जी जेल जाते, डिंपल जी जेल जाती, अखिलेश भैया जेल जाते, इतने भ्रष्टाचार के मुद्दे होंगे इनके ऊपर। तो ये तो साफ हो गया उनकी कार्यशैली से कि वो समाजवादी पार्टी ने आजम खान साहब का सौदा कर दिया है कि जब तक सरकार रहेगी जेल में जाए, जेल में डाल दीजिए और आप लोग बाहर रह लीजिए। अब 2022 का चुनाव आ रहा है, अखिलेश यादव जी फिर हम आजम खान साहब के नाम पर वोट मांगेंगे कि मुझे चचा को आजाद कराना है, सरकार बनवा दीजिए समाजवादी पार्टी की। लेकिन अब हम इतने बेवकूफ नहीं है कि आपके पास करोड़ों कार्यकर्ता उत्तर प्रदेश में है, अगर 1,00,000 कार्यकर्ता भी आजम खान के नाम पर रोड पे सड़क पे निकल जाता तो सरकार को एक मैसेज दिया जा सकता था, एक संदेश दिया जा सकता था कि उत्तर प्रदेश में आजम खान लावारिस नहीं है, उनका समाज है, उनकी कम्युनिटी है, उनके लोग हैं, उनसे मोहब्बत करने वाले लोग, हम किसी दल में रहें। लेकिन आजम खान साहब अगर गलत किए हैं तो उसकी सजा मिलनी चाहिए। लेकिन एक सम्मानित पद पे बैठा व्यक्ति जिसके ऊपर कैसे कैसे मुकदमे लगा दिए, बताइए, बकरी चोरी का मुकदमा, मुर्गी चोरी का मुकदमा, ये संसद का अपमान नहीं है क्या? एक संसद जैसे पद पे रहने वाला सांसद मौजूदा, एक उनकी बीवी, विधायक उनकी बीवी, सबको जेल डाल दिया जाता है, तो ये क्या है? ये सिर्फ वो खतरनाक मानसिकता है जो मानसिकता में हम लोग कहीं फिट नहीं बैठते हैं, नफरत की राजनीति करने वालों की मानसिकता है। इसलिए नफरत का एक ही जवाब है उत्तर प्रदेश में पीस पार्टी। आजम खान साहब को हम न्योता देते हैं, अगर आजाद होते आए पीस पार्टी के साथ चलें और पीस पार्टी उनकी अगुवाई में काम करेगी। हम चाहते हैं आजम खान साहब को रिहा किया जाए, पीस पार्टी मांग करती रही है, आज फिर आपके माध्यम से मांग करते हैं कि तत्काल आजम खान साहब को और उनके बेटे को तत्काल रिहा किया जाए। मुकदमा जो हो चलता रहता है, चलता रहेगा, जो अदालत अपनी कार्रवाई करेगी वो फैसला आता रहेगा।